वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पोएट्री जो हमारी फोर्थ थी, एनएलजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, इसका अबाउट द पोएम हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आते हैं इसकी पोएम पे। पोएम हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इसके हेडिंग के बारे में कि एलजी क्या है। एलजी एक सॉन्ग जिसको डेथ पे गाया जाता है, वो जो जिसकी भी डेथ होती है, वो हमारा फ्रेंड हो या बहुत क्लोज पर्सन हो, उसके लिए एक शोक गीत तैयार किया जाता है। तो एलजी उस शोक गीत को कहते हैं। आप लिख लें, अगर जो भी आपको यहाँ पर मैं लिखवाती जाऊँ वर्ड मीनिंग, वो आप साथ साथ में मेंशन करते जाएं। गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी शॉर्ट गिव एयर अनटू द सॉन्ग एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट इट कैन होल्ड योर होल्ड यू लॉन्ग इट कैनॉट होल्ड यू लॉन्ग। अब यहाँ पे जो ये फर्स्ट पैरा है, ये है पोएट का। पोएट लिख रहा है कि जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी अच्छे मन के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी नीति के लोग हैं, वो इसको ध्यान से सुने। किसको? इस गीत को ध्यान से सुने। एंड इफ़ यू नॉट फाइंड अ वंडरस शॉट, अगर आपको ये अच्छा नहीं भी लगता है, मेरा ये गीत जो है, मेरा ये क्रिएटेड जो एक शोक गीत है, ये आपको अच्छा भी नहीं लगता है, तो भी आप इसको पूरा सुने, क्योंकि ये इट कैनॉट होल्ड यू लॉन्ग, ये आपको ज़्यादा देर तक सुनना नहीं पड़ेगा, यानी कि बहुत बड़ा नहीं है, तो आप इसको सुने, ध्यान से सुने। जितने भी अच्छे मन के लोग हैं, अच्छी नीति के लोग हैं, जो गुड पीपल हैं, वो सारे ही इसको ध्यान से सुने, ये आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अब यहाँ से एक स्टोरी स्टार्ट होती है जो पोएट ने पोएम के अंदर क्रिएट की है। कौन सी स्टोरी है? डॉग और मैन के बीच की। इन आइसलिंगटन देर वॉज अ मैन ऑफ हुम द वर्ल्ड माइट से दैट स्टिल अ गोल्डली रेस ही रैन वेन एवर ही वेंट टू प्रे। अब यहाँ पर क्या है? इन आइसलिंगटन देर वॉज अ मैन। आइसलिंगटन एक टाउन का नाम है जहाँ पर एक आदमी रहता था। ऑफ हुम द वर्ल्ड माइट से That still a goldly rest he ran। लोगों का ये कहना था कि वो जो आदमी था वो बहुत ही अच्छा इंसान था, मन का बहुत साफ और सच्चा था। ऐसा किसका मानना था? लोगों का। और जो बिलीफ एक व्यक्ति ने मान लिया, उसी के पीछे पूरा टाउन जो था चलता था, कि ये एक ने कह दिया कि ये अच्छा है, तो बाकी सभी भी यही कहेंगे कि ये अच्छा ही है। Whenever he went to प्रे, जब भी लोग उसको देखते थे, उसको प्रार्थना करते हुए देखते थे, उसको कोई काम करते हुए देखते थे, तो एक बिलीफ सा बना लिया था कि ये इंसान अच्छा है और इसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। ये सारे धार्मिक काम करता है, चर्च के काम करता है, प्रे करता है और लोगों के लिए भी वेलफेयर के काम करता है। ये बिलीफ उन लोगों के दिमाग में, मन में बैठा हुआ था। अ काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, लोगों का क्या मानना था? कि उसका जो मन है वो बहुत ही उदार और विशाल है, बहुत अच्छे मन का इंसान है। टू कम्फर्ट फ्रेंड्स एंड फो, वो अपने फ्रेंड्स और जो अपने एनिमीज़ हैं उनके बीच में कोई फ़र्क नहीं समझता है, यानी दोनों को, अपने फ्रेंड्स को भी उतना ही प्यार करता है जितना अपने दुश्मनों को, यानी कि ऐसे इंसान का तो कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर लोगों का क्या मानना था? कि वो बहुत ही दयालु है, बहुत विशाल हृदय का है। उसके फ्रेंड्स और फोज जो, उसके दुश्मन और फ्रेंड्स जो हैं, वो दोनों को ही वो बहुत अच्छे से हैंडल करता है या बहुत अच्छे से रखता है, बहुत उनको प्रेज करता है। द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लोथ, द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड, वो हर रोज़ उन लोगों के बारे में सोचता है जब वो कपड़े पहनता है, तो उन लोगों के बारे में सोचता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पहनने को दो जोड़ी कपड़े भी
नहीं है, यानी कि वो दूसरे लोगों के बारे में भी सोचता है। ये सारी धारणा किसकी बनी हुई थी? आइसलिंगटन के टाउन में जो लोग रहते थे उन लोगों का ये बिलीफ था कि एक इंसान है, एक व्यक्ति है जो बहुत काइंड हार्टेड है, जो बहुत जेंटल है, बहुत कंफर्ट है उसका फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड्स और फोज में, दुश्मन और दोस्तों के बीच में कोई फ़र्क नहीं करता है, और गरीब लोगों के बारे में भी सोचता है, और हर जो भी एक अच्छे इंसान के अंदर गुण होने चाहिए वो सारे ही उस इंसान के अंदर गुण हैं, ऐसा उन लोगों का बिलीव था। एंड इन दैट टाउन अ डॉग वॉज फाउंड, और उसी टाउन में एक डॉग भी मिला, लेकिन डॉग भी रहता था, लेकिन एक डॉग तो होगा नहीं, ऑब्वियसली बहुत सारे डॉग होंगे, एज मैनी डॉग्स देयर बी, बहुत सारे डॉग्स थे वहाँ पर। बोथ मॉर्ग्रेल कहते हैं मिक्स ब्रीड का, स्पेशल कोई ब्रीड का नहीं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो मॉर्ग्रेल होते हैं। पपी बिल्कुल छोटे, वेल्प जो अभी अभी जवान हुए हैं वैसे डॉग भी थे, एंड हॉर्न्स शिकारी कुत्ते जिनको कहा जाता है, जो बहुत अग्रेसिव और अटैक करने वाले होते हैं, एंड कर्स भी यहाँ पर अग्रेसिवनेस को ही शो किया है कि अग्रेसिव ऑफ लो डिग्री, यानी कि हॉर्न्स जैसे शिकारी कुत्ते भी और ऐसे कुत्ते भी, ऐसे डॉग्स भी जो कम अग्रेसिव हों, शिथिल हों, बैठे रहते हों, यानी कि सारे तरह के डॉग्स वहाँ पर अवेलेबल थे। दिस डॉग एंड द मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर जो पर्टिकुलर डॉग की बात की गई है वो पहले फ्रेंड्स थे एक दूसरे के, बट व्हेन अ पीक बिगन, यहाँ पे पीक को अंडरलाइन करके आप लिखेंगे क्वारल या झगड़ा, बट व्हेन अ पीक बिगन, पहले तो वो दोनों फ्रेंड्स थे लेकिन जब उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ, द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड वेंट मैड एंड बाइट द मैन, तो क्या हुआ कि जब वो झगड़ा शुरू हुआ तो डॉग जो था उसने बहुत गहरी दुश्मनी कर ली और वो पागल सा हो गया उस आदमी को काटने के लिए, और एट द एंड उसने उस इंसान को, उस मैन को काट ही लिया। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स द वंडरिंग नेबर्स रैन, अब क्योंकि छोटा सा टाउन था तो ये बात जो थी वो बहुत आग की तरफ फैल गई कि एक नोबल पर्सन को, एक गुड मैन को एक स्ट्रीट डॉग ने, एक मैड डॉग ने काट लिया है, तो ये सारे लोग जो थे वहाँ पर दौड़ते हुए आ गए। एंड सॉ द डॉग हैज लॉस्ट हिज बीट टू बाइट सो गुड मैन, और बहुत सारी बददुआएं उस डॉग को मिलने लग गई, जैसे ही उस डॉग को देखा तो तुरंत ही बहुत सारी बददुआएं देने लग गए लोग कि कैसा डॉग है, कितने अच्छे पर्सन को काट लिया है। द वाउंड इट सीम्स बोथ सॉर एंड सैड टू एवरी क्रिश्चियन ईव, जितने भी लोग ये देख रहे थे उन लोगों की नज़र में ये था कि कितना बुरी तरह से स्क्रैच, रैप किया हुआ घाव उस डॉग से उस मैन को मिला है, कि अब ये घाव की वजह से जो है वो कभी भी बच नहीं पाएगा, जो नॉबल पर्सन है, जो गुड मैन है, वो कभी भी नहीं बच पाएगा। एंड वाइल दे श्योर द डॉग वॉज मैड, दे श्योर द मैन वुड डाई, तो लोगों ने ये सोच लिया था कि अब ये जो मैड डॉग ने उस गुड मैन को काटा है तो उसका जो पॉइजन है, उसका जो जहर है, वो उस इतने गहरे घाव के अंदर चला गया होगा, अब वो गुड मैन जो है वो जल्दी ही मर जाएगा। बट सून अ वंडर केम अ लाइट, लेकिन बहुत जल्दी एक चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या हुआ? दैट शोड द रग्स दे लाइड, उनके जितने भी बिलीव थे, उनकी जितनी भी धारणाएं थी जो उन लोगों ने मन में बना रखी थी धारणाएं, वो सारी ही बहुत जल्दी से मिट गई, सभी गायब हो गई। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट द डॉग इट वॉज दैट डाइड, वो धारणा क्या चेंज हुई कि लोगों ने क्या सोचा था, बुराई किसके अंदर है, डॉग के अंदर है, और उसका जो पॉइजन है वो उस गुड मैन के अंदर चला गया, तो उस जो घाव उसको मिला था, जो वाउंड उसको मिला था, उसकी वजह से जो गुड मैन था उसका मरना डेफिनेट था, लेकिन बहुत जल्दी ही क्या हो गया,
कि उस वाउंड के जो था वो तो ठीक हो गया, और उसकी बजाय वो जो डॉग था, इनोसेंट डॉग था, वो मर गया। तो यहाँ पर एक सटायर सा है, पोएट का कहना है कि ये एक कॉमिक सी, एक कह सकते हैं कॉमिकल टोन मारा है पोएट ने, कि इंसान को एक के बिलीफ के पीछे नहीं चलना चाहिए। हर इंसान के पास अपना एक इंडिविजुअल माइंड है, समझ है, उसके अकॉर्डिंग अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करना चाहिए, लोगों की धारणा के पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो काफ़ी इजी हैं, लाइन टू लाइन मैं आपको समझा चुकी हूँ, अबाउट द पोएम भी पढ़ा चुकी हूँ। तो आपको जितने भी ये क्वेश्चन आंसर्स हैं अबाउट द पोएम और इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू अवेलेबल मिल ही जाएंगे। तो होप सो इस पोएम की आप प्रैक्टिस करें और इसका जो वर्क है, एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन आंसर से, वो सारा ही कंप्लीट कर लें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। उसके अपन 9.1 के अपन ने चार पांच क्वेश्चन देख लिए थे। पांच क्वेश्चन तक मैंने कहा था बिल्कुल इजी हो जाएंगे। 6 के भी 1 और 2, 6 के तीन पार्ट थे, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, है ना। दोनों बीच की दूरी निकालनी है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलो द पॉइंट, है ना। और थर्ड जो है इसका वो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अपन देख लेते हैं एक बार। क्या है देखो, क्वेश्चन क्या है, 81 है। ठीक है, ये पॉइंट दे रखा। तो देखो इसमें वही प्रोसेस रहेगा, x1 y1 x2 y2। ठीक है, x1 क्या हो जाएगा, 81 स्क्वायर, y1 281 ही। ठीक है, x2 कितना हो जाएगा, 81 स्क्वायर, और y2 कितना हो जाएगा, 282। बस क्या करना है अपने, तो जो फॉर्मूला उसमें फॉर्मूला क्या था अपना, x2 - x1 का स्क्वायर + y1 का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करनी है, देखो वैल्यू क्या होगी, x1 कितना है, x2 है 82 का स्क्वायर - 81 का स्क्वायर + y कितना है, 282 - 281 का स्क्वायर। ठीक है, देखो कुछ नहीं किया अपन ने, अभी x2 और x1 की वैल्यू रखी है और y2 और y1 की वैल्यू रखी है जो अपने को गिवन है। अब अपन को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट को फॉर्मूला देखो, AT2 स्क्वायर - AT1 का स्क्वायर। तो इसमें a और a क्या निकल जाएगा, कॉमन है, a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पूरे होल पे स्क्वायर, पूरे होल स्क्वायर पे स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, T2 स्क्वायर - T1 का होल स्क्वायर, राइट। प्लस इसमें से क्या बाहर निकलेगा, कॉमन निकलेगा, देखो 2a, तो बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर T2 - T1 का स्क्वायर, अंडर रूट। नेक्स्ट क्या होगा, देखो इसको तो छेड़ना ही नहीं, एज इट इज a स्क्वायर T2 स्क्वायर T1 स्क्वायर + ये कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर
टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब इसमें से और चीज कॉमन निकल रही है, ए स्क्वायर, देखो ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर है ना। देखो ए स्क्वायर अगर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा ए, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर है, रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा। और देखो अब ये टी टू का स्क्वायर माइनस टी वन का स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो अपन को पता है ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, जब ओपन होगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर, इस टाइप से ओपन होगा, क्योंकि इसका ए माइनस अपन को पता है ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ये क्या है ए माइनस बी का भी होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको उसी से ओपन करेंगे अपन, टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर प्लस टी टू प्लस टी वन का स्क्वायर, ठीक है, माइनस फोर तो बाहर चला गया, ए तो बाहर चला गया, बचा क्या टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब देखो फिर से इसमें कुछ चीज़ कॉमन निकल रही है, टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर, टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर, पूरी पूरी टर्म क्या हो जाएगी बाहर आ जाएगी, तो क्या आएगी देखो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, नीचे इधर लिख देता हूँ, है ना, तो क्या होगा देखो ए बाहर क्या आएगा टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर अंडर रूट, अंदर क्या बचेगा टी टू प्लस टी वन का होल स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा ये फाइनल आंसर अपना। अब देखो कैसे क्या हुआ है थोड़ा देख लो एक बार। ठीक है, देखो इजी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत, अपना फॉर्मूला अपने को दे रखे हैं दो ये कोऑर्डिनेट है ए और बी, अपने को निकालना है, क्या निकालना है x2 टू माइनस एक्स वन अपना फॉर्मूला है का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, x2 की जगह वैल्यू रखी, x1 की जगह वैल्यू रखी, वाई टू की जगह वैल्यू रखी, वाई वन की जगह वैल्यू रखी, फिर इसको क्या किया तो ए टी टू का स्क्वायर माइनस ए टू टी वन स्क्वायर, तो इसमें से a और a कॉमन आ गया, ए स्क्वायर क्यों हुआ क्योंकि ये होल स्क्वायर में है ना, अगर बाहर भी आएगा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फिर अंदर क्या बचेगा टी टू का स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखो इसमें से टू ए और टू ए ये कॉमन आ गया। ठीक है, वही सीन है यहाँ पे स्क्वायर ये फोर स्क्वायर अपन ने एक स्टेप नीचे किया, ठीक टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर अपन ने क्या किया कि देखो ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो अपन इसको किससे ओपन कर सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी से अपन ने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, तो उससे ये हो जाएगा क्या हुआ टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर टी टू प्लस टी वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर फोर टी टू माइनस टी वन हो जाएगा, ए क्या क्या अपन ने कॉमन निकाल लिया बाहर, और ए क्यों हुआ क्योंकि अंदर स्क्वायर है, अगर रूट हटे रूट हटाते तो स्क्वायर भी हटता है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा फिर इधर इसमें से भी ये चीज़ कॉमन आ रही है टी टू माइनस टी वन और टी टू माइनस टी वन दोनों स्क्वायर है देखो, तो ये चीज़ कॉमन आ गई देखो बाहर, तो अंदर क्या बचेगा टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर प्लस फोर। अब देखो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा फोर क्यों बाहर नहीं, क्योंकि देखो एक तो फोर प्लस में है उसके बाद अकेला है, यानी ना तो कुछ कॉमन निकल रहा है, अगर इधर भी फोर होता तो ये चीज़ कॉमन निकल जाती बाहर, दो दो हो जाता है यहाँ पे ना टू हो जाता, लेकिन है ही नहीं, इसलिए ये फोर अंदर अकेला रहेगा, है ना, और क्यों है क्योंकि प्लस में इसके साथ जुड़ा हुआ है, समझ नहीं बात, इसलिए ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अक्सर इसके कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, तो देख लो इसको एक बार कैसे हुआ है थोड़ा सा देख लो आप। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है, प्रूव दैट पॉइंट टू माइनस टू पॉइंट, पहला पॉइंट
ठीक है, क्या कह रहा है, प्रूव दैट पॉइंट आर वर्टिकल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगुलर, है ना, मतलब अपने को क्या करना, प्रूव दैट ये जो भी पॉइंट है ये किसके हैं, राइट एंगुलर ट्रायंगल के, राइट एंगुलर ट्रायंगल यानी समकोण, है ना। तो प्रूव कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले बना दो राइट एंगुलर ट्रायंगल, ये राइट एंगुलर ट्रायंगुलर ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे अपन क्या, वही मेथड है, ए बी बी सी देन ए सी, राइट एंगुलर क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा है ना अपन ने, क्या है, ये अपना क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस पता ही है तुमको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे क्या करेंगे अपन, सबसे पहले पॉइंट ए बी, ठीक है, पॉइंट ए बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 - 2 और क्या है, -2 1, फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना ये फर्स्ट जो ब्रैकेट होता है वो x1 y1, सेकंड ब्रैकेट x2 y2 होता है। तो अपने को अब इसमें x2 कितना होगा, -2 - x2 - 2, ए बी 2 - हाँ कितना हो जाएगा, ये x में कितना है, -4, -4 का स्क्वायर तो वो होगा 2 - 2 - 2 1, -2 है ना यहाँ पे 2 - 2 है 2 - 2, तो देखो क्या होगा, -2 - माइनस नहीं होगा, है ना, यहाँ पे देखो अगर माइनस अगर बाय द वे यहाँ होगा तो ये 0 हो जाएगा, हाँ 0 हो जाएगा, नहीं 4 होगा, -4 का स्क्वायर पे 16 हो जाएगा, गलत है, हो जाएगा आगे, है ना, यहाँ पे -2 नहीं होगा, खाली 2 ही है ये, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 - 2, फिर 0 हो रहा है, x1 - 2 होना चाहिए, -2 - 2, चलो देखते हैं कुछ भी हो जो, ये अगर -2 होता है तो देखो क्या होगा, ये x1 ये x2 2 - ये -2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 1 - -2 का क्या होगा, देखो 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 + 2 है, ठीक है, 1 + 2 कितना है, 3 का स्क्वायर, ठीक है,
तो कितना हो जाएगा 16 + 9 25। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ी इस कोऑर्डिनेट में मिस्टेक है। यहाँ पे निर्देशांक जो अपना एक्स वन है वो -2 है ना, ये -2 होगा तो ये सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट अपने पास क्या आ गया 5। ठीक है, अपने को क्या निकलना बी और सी, ठीक है बी बोल क्या है इसके कोऑर्डिनेट 2 1। ठीक है, फॉर्मूला ठीक है, x2 कितना है 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस मिस्टेक हो रही है यार। अरे -2 देखो एक बार इस क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट इंग्लिश मीडियम की जो कोऑर्डिनेट बुक है इसमें थोड़ा मिस्टेक्स है कोऑर्डिनेट, तो मैं हिंदी वाली बुक में देख के सॉल्व कराता हूँ इसको। ठीक है, एक बार इसको रहने दो पेंडिंग, क्योंकि कोऑर्डिनेट सारे गलत आ रहे हैं या फिर क्या किया समझ में नहीं आ रहा है। बी सी अरे यार चक्कर था वहीं पर x1 - x2 है। ठीक है, देखो इस थोड़ा सा मिस्टेक आ रही है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू, एक बार ट्राई करना अगर तुमसे भी हो जाए। ठीक है, या फिर कुछ फॉर्मूले में दिक्कत है या किसी न किसी में कुछ ना कोई दिक्कत आ रही है, अपन इसको नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि हमने 6 नियमों के बारे में अध्ययन कर लिया था, एक नियम और उसके कुछ उदाहरण से हम शुरुआत करते हैं, जिसमें जैसे निधन इक्षण, नि विसर्ग के बाद इक्षण शब्द बना तो हमारा शब्द बनता है निरीक्षण। ठीक है, दो विसर्ग के बाद परिणाम शब्द आया दुष्परिणाम शब्द बना, इस प्रकार दूधन वचन वचन शब्द आया दुर्वचन शब्द बना, इसके बाद दूधन कर कर शब्द आया दुष्कर शब्द बना, नभ धन चर नवचर शब्द बना। तो ये जो प्रमुख उदाहरण है इससे पता चलता है कि अगर नी के बाद ई के है ना नी विसर्ग के बाद में अगर ई आता है तो हमें
इक्षण शब्द से निरीक्षण शब्द बना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ई के बाद इक्षण शब्द से निरीक्षण ई शब्द जुड़ा, दो के बाद परिणाम दुष्परिणाम। अब यहाँ पर विसर्ग पहले ऊ है बाद में प है, तो ये प श हलंत में बदल गया। दूधन वचन का दुर्वचन यहाँ पर र हलंत में बदला है ना, यहाँ पर श हलंत में बदलना। इस प्रकार दूधन कर का भी ये श हलंत में बदलता रूप है। तो विसर्ग संधि में प्रमुखतः यही होता है, विसर्ग का लोप होता है, विसर्ग का प्रयोग होता है, और कहीं कहीं विभिन्न प्रकार के नियमों के अनुसार चलने से विसर्ग संधि अति आवश्यक है। व्यंजन संधि से हट करके विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब मुख्य बिंदु पर चलते हैं, जिसमें विसर्ग संधि में देखें तो यदि विसर्ग से पहले ई या उ स्वर हो, विसर्ग से पहले क्या हो ई या उ स्वर, हमारे विसर्ग से पहले वी है अर्थात ई मिला हुआ शब्द है, व धन ई वी बना, ठीक है। चतुः तो चत धन तो उ की मात्रा त के साथ लगी तो छोटे उ की मात्रा चतुः बना, बही का ई लगा और बही का ई लगा। इन सब में देखें तो ई या उ के विसर्ग से पूर्व ई या उ हो, बाद में क और फ, क और प और म, ये तीन व्यंजन क प म हो तो वहां विसर्ग श षटकोण का है ना, श हलंत में बदल जाता है। तो आविधन कार का आविष्कार, यहाँ विसर्ग का लोप हुआ और विसर्ग की जगह क्या लगा श हलंत का प्रयोग हुआ। चतुष्धन कोण का चतुष्कोण शब्द बना और बहिधन कृत का बहिष्कृत का शब्द बना और बहिधन कार का बहिष्कार बना। तो यहाँ श कौन सा षटकोण का, एक तो था नमः है ना विसर्ग से ले और विसर्ग का नमः दंती तो दंत वर्ण आ गया श हलंत में बदलेगा, हमने देखा था यदि नमस्कार जैसे। इसके बाद दूधन साहस, इधर वापस चले अपन, जैसे एक शब्द था दूधन साहस, वो नियम अलग था है ना, उसमें क्या था दू के बाद, तो यहाँ उग तो लगा हुआ है विसर्ग से पूर्व, लेकिन यहाँ क्या है स लगा हुआ है, हमारा स जो है दंत वर्ण है और दंत वर्ण होगा इसका मतलब शब्द बनेगा हमारा दुस्साहस शब्द बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहां पर इस शब्द का प्रयोग कर लें, ये शब्द जो प्रयोग करोगे तो इसका मतलब ये हमारा गलत होगा, सही शब्द क्या है दुस्साहस बनेगा। इसके बाद हम विभिन्न प्रकार के जो शब्द हैं उसे वापस पुनः चलते हैं, तो आविधनकार का आविष्कार, चतुर्धनकोण का चतुष्कोण, बहिधनकृत का बहिष्कृत और बहिधनकार का बहिष्कार। इस प्रकार विसर्ग के क्या बता रहा है, विसर्ग के बाद मूर्धन्य अघोष व्यंजन कुछ हैं, एक अघोष मूर्धन्य है ना ट वर्ग ट ठ ड ड ण, ये जो हैं हमारे वो मूर्धन्य मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जो मुख्यतः ट और उसका ट का विसर्ग श भी होता है, जबकि यहाँ पर नहीं दिया गया है ई या उ हो तो विसर्ग के नॉर्मल भी ऐसा होता है विसर्ग के बाद में क प और म तो है ही, लेकिन अगर ट शब्द भी आ जाता है तो भी हमें यहाँ पर विसर्ग का श हलंत करना है। धनुधन धनुधन टंकार धनुष टंकार ऐसा शब्द बनेगा, ठीक है। इसके प्रमुख कुछ प्रश्न है वो आप करने का प्रयास करें, प्रश्नों में स्वर संधि एवं व्यंजन संधि की परिभाषा देते हुए उदाहरण से समझाइए। तो हमें स्वर संधि क्या है, स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी और स्वर संधि और व्यंजन संधि की परिभाषा को देखते हुए उनके उदाहरणों द्वारा समझाना है कि स्वर संधि में इन उदाहरणों को रखा जाता है, व्यंजन संधि में इस प्रकार के उदाहरण आएंगे। ऐसा नहीं हो कि व्यंजन का स्वर स्वर संधि में और स्वर का व्यंजन में करो, क्योंकि स्वर संधि व्यंजन संधि तीनों पार्ट पहले एक हो एक प्रकरण के हो, लेकिन तीनों संधियों में कहीं ना कहीं भिन्नता है, वो हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों का संधि विच्छेद करना है और उनका नाम भी
लिखना है परमोषद, परमोषदी, ये आपको पता होगा परमोषदी, उद्धार, ये उद्धार में एक नियम था अपना कि यदि त या द के बाद में क्या आ जाता है, ह आता है तो उसका ह का क्या हो जाएगा, द और त, त होगा वो द में उत्दन हार उद्धार शब्द बना था। तो इस प्रकार मनोभाव, गायक, महेंद्र, स्वागत, शब्दार्थ, चतुष्पद, यशोगान, मनोहर, उच्चारण, संयोग इत्यादि, दुष्कर, नाविक, सर्वोत्तम, देवर्षि, ये स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इनसे संबंधित कुछ नियम हैं, उनका ये उदाहरण दिए गए, उन उदाहरणों को करने का प्रयास करें और जैसे जैसे उदाहरणों को करेंगे और भी अन्यत्र ढूंढने का प्रयास करें जिससे संधि प्रकरण में आपको कहीं कोई दुविधा ना हो। ठीक है, तो संधि प्रकरण में मुख्यतः ये ध्यान रखना, स्वर संधि, मुख्य संधि की परिभाषा, संधि में वर्णों का मेल होता है, एक बार पुनः बता देता हूँ, संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में शब्दों का मेल होता है, पहले उनका डिफरेंस देखें, फिर संधि की परिभाषा, उनके प्रकार और उनके उदाहरण नियमों के बारे में अध्ययन करें। धन्यवाद। सभी को सुप्रभात। लेसन नंबर 5 जिसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ रहे थे, फॉर्मेशन एंड यूजेस ऑफ एवरीडे कंपाउंड या डेली लाइफ में जो कंपाउंड आते हैं उनका फॉर्मेशन एंड यूजेस पढ़ रहे थे, उपयोग और उसके निर्माण को पढ़ रहे थे कि डेली लाइफ में जो हमारे यौगिक हैं जो हम घर पे बना सकते हैं या बनने के लायक होते हैं या कैसे बनते हैं उनका फॉर्मेशन या किन चीज़ों से बनते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, पढ़ रहे थे किन किन चीज़ों से मिलाने के बाद वो बनता है। उसके अंतर्गत अपन ने NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी नमक को बना दिया था, NaOH कास्टिक सोडा ने सोडियम हाइड्रोक्साइड को बना दिया था, साबुन बनाने के सोडे को बना लिया था, है ना। फिर अपन ने क्या बनाया था, CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण को भी बना लिया था। फिर अपन ने NaHCO3 बेकिंग सोडा बना रहे थे, NaHCO3 जिसे अपन खाने का सोडा भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बनाने की विधि को अपन पढ़ रहे थे, है ना, लगभग पढ़ लिया था लेकिन मैं वापस आपको रिपीट करा दूँ। इसका फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, हेडिंग डाल देता हूँ मैं आपके, फॉर्मेशन एंड यूजेस, है ना, ये चीज़ मैं डाल देता हूँ आपके हेडिंग के रूप में क्योंकि अपन इसी चीज़ को पढ़ रहे थे, फॉर्मेशन एंड यूजेस। ऑफ एवरीडे कंपाउंड NaHCO3 की बात कर रहे थे जिसका केमिकल नाम क्या है, Na means सोडियम, H means हाइड्रोजन, CO3 means कार्बोनेट, तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे H की जगह बाई भी लगा सकते हैं तो सोडियम बाई कार्बोनेट भी हो जाएगा। फिर बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं इसको, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र लिखिए तो ये लिख देना आपको NaHCO3, या पूछ ले खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र ये हो गया, या पूछ ले NaHCO3 को किस नाम से जाना जाता है तो बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कई सारे नाम है एक ही चीज़ के, तो आपको जितने भी नाम ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके उतने सारे करने हैं। अब इसको भी बनाते कैसे हैं ये मैं आपको बता दूं, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं अपन ने प्रीवियस क्लास में बनाई थी, पिछली क्लास में बनाई थी, जैसे NaCl बनाया था, उसी के साथ H2O भी आया था, कहीं कहीं भी CO2 भी आया था, और एक ऐसी चीज़ जो हमारे शरीर के अंदर बनती है अमोनिया वो भी थी उसके अंदर। तो कई सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जिनको अपन घर में ही देख सकते हैं, उन्हीं सी चीज़ों से ये बनाया जाता है। जैसे पहला मैं लिख देता हूँ NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, दूसरा मैं लिख देता हूँ H2O यानी पानी, तीसरा मैं लिख देता हूँ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम रिलीज कर रहे हैं, और चौथा अमोनिया जो हमारे शरीर में भोजन के ऑक्सीकरण के पश्चात बन रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हम हमारे आसपास में ही देखते हैं इन्हीं से हम क्या बना रहे हैं, NaHCO3 बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, लिख दिया फॉर्मूला NaHCO3, जो बचा उसको साथ में निकाल दिया NH4Cl। अब कैसे हुआ था ये मैंने बता दिया था आपको,
ये एन है, ठीक है, यहाँ से एक एच ले लिया, ठीक है, तो एक एच बच गया, यहाँ ध्यान रखना, तो एन ए एच सी ओ थ्री, ये ओ इसके साथ जुड़ गया, तो एन ए एच सी ओ थ्री हो गया, यहाँ से एक एच बच गया, यहाँ से चार एच, तो एन एच फोर हो गया, ये सी एल बचा था, एन एच फोर सी एल, तो ये बन गया आपके क्या, बेकिंग सोडा, ये बन गया अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो एक विधि तो ये थी जिसके माध्यम से बना रहे थे, एक विधि क्या थी, सोडियम कार्बोनेट को इससे जोड़ दें अपन, तो भी आपके क्या बन जाएगा, एन एच सी ओ थ्री, ठीक है, इसके आगे क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, तब भी आपके सोडियम कार्बोनेट से क्या क्या है, धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ये खाने का सोडा, ये कपड़े धोने का सोडा है ना, तो ये धावन सोडा बनाया जाता है, इससे भी आप बेकिंग सोडा बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके बनाने की विधियाँ थी, इसके उपयोग सीधे आप पढ़ सकते हैं किताबों से कि इसके उपयोग क्या क्या है ना, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, फिर पेट की अम्लता को रूप में एंटासिड के रूप में, अग्निशामक यंत्र में क्या क्या उपयोग हो गया, देखो एक तो जब एसिडिटी हो जाए, क्या होता है, पेट में अम्लता बढ़ जाए या अम्लीयता हो जाए, पेट के अंदर एसिडिटी हो जाए, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तब इस बेकिंग सोडे के उपयोग से अपन क्या कर सकते हैं, उस अम्लीपन को दूर कर सकते हैं स्टोमक के ना, इसीलिए क्या करते हैं, जब भी हम तली हुई चीज़ें बनाते हैं, चाहे वो पकौड़े हों, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ें जिनके खाने से हमारे एसिडिटी हो सकती है, उन चीज़ों में इस बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाए, जैसे पकौड़े बनाते हैं घर पे, तो पकौड़े में हल्के बनाने के लिए, उसको क्रिस्पी बनाने के लिए इस बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है, केक में इसका इस्तेमाल किया जाता है उसको प्लफी बनाने के लिए, तो कई चीज़ों में ऐसे खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है ताकि एसिडिटी ना हो, अम्लीयता ना हो। फिर क्या करते हैं, अग्निशामक यंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है, आग बुझाने वाला यंत्र जो आता है अग्निशामक यंत्र बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, लेबोरेटिकल रिएजेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो कई जगह हैं ऐसी जिनका इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, तो इसका उपयोग हो गया, इसका फॉर्मेशन हो गया है ना। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, बेकिंग सोडा हो गया, अब देखते हैं अपन धावन सोडा यानी कपड़े धोने का सोडा, उसका कैसे निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो एक एक रिएक्शन को आपको चार चार बार पांच पांच बार लिखनी है, ताकि क्या हो, लिखते समय आप इसे लिखेंगे तो क्या होगा, जल्दी याद हो जाएगी ना, लिख लिख के याद करेंगे। अब अपन लिख लेते हैं Na2CO3.10H2O, ये हो गया आपके सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10 जल के क्रिस्टलन अणु है ना, ये पानी इस पाउडर के अंदर दिखेगा नहीं, ये क्या पाउडरी सब्सटेंसेज है, ये पानी के जो अणु इस पाउडर के अंदर मौजूद हैं, वो पानी के अणु क्या आएंगे, इसको मॉइस्चर देंगे, गीलापन देंगे, सूखा हुआ बिल्कुल ही तब तक पाउडर नहीं होगा, ये मॉइस्चर वाला होगा, तो ये क्या पानी के 10 अणु जो है क्रिस्टलन जल जो है इसके अंदर मौजूद है, ये 10 जो है वो क्या कहलाएगा, डेका, और ये हाइड्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको क्या बोलते हैं, धावन सोडा, क्या बोलते हैं, धावन सोडा, और इंग्लिश में बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो जो भी आपको फॉर्मूला याद रहे उसके जितने भी नाम याद कर सके करें। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, जो आपने बेकिंग सोडा बनाया थोड़ी देर पहले बनाया था, क्या बनाया था, जो आपने बेकिंग सोडा बनाया था उसको क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे, क्या करना है, जो देखो मैं एक से दूसरे को आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, सबसे पहले NaCl बनाया, उसी NaCl से अपन ने NaOH बनाया, फिर उसी NaOH का उपयोग करते हुए अपन खाने वाले सोडे पे भी आए थे, बीच में सिर्फ क्या रह गया था अपना CaOCl2, जिसको किससे बनाया था अपन ने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने से, पढ़ा था अपन ने ना, बुझा हुआ चूना, स्लेक्ड लाइम है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, उसी से अपन ने किसी की रेह करवाई थी, क्लोरीन की, तो क्या बनाया था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाया था। तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, वन बाय वन पढ़ते रहेंगे तो आगे से आगे याद होता रहेगा। तो क्या किया, इसी बेकिंग सोडे को गर्म कर दिया, क्या बन गया, Na2CO3 बन गया, जल के अणु निकल गए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। फिर क्या किया, इस सोडियम कार्बोनेट को क्या कराया,
10 क्रिस्टलन अणु से क्रिया कराई जल के, तो क्या बन गया Na2CO3.10H2O। ये आपके क्या बन गया, धावन सोडा यानी बेकिंग सोडा बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो ये आपके यहाँ तक क्या हो गया, बेकिंग सॉरी धावन सोडा या वॉशिंग सोडा तक निपट गया अपन। बेकिंग सोडा पढ़ लिया, धावन सोडा बन लिया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया, कास्टिक सोडा यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ लिया, NaCl सोडियम क्लोराइड पढ़ लिया। तो 5-6 चीज़ें जो ऐसी थी जिनका फॉर्मेशन यूजेज हमें पढ़ना था वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद एक आपका बच जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके यूजेज कहाँ हैं, धुलाई व सफाई में, अपमार्जक बनाने में, फिर कागज़ व पेंट उद्योग में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। मैंने शुरू में ही पढ़ाते थे आपको कुछ यूजेज जो हैं वो कॉमन है, जैसे कागज़ और पेंट इंडस्ट्रीज में, वस्त्र इंडस्ट्रीज में, प्रयोगशाला अभिकर्मक, ये दो यूजेस ज़्यादा बार आए हैं सब में, तो वो दो तो कॉमन आपको लर्न करना है। अदरवाइज जो जो एक एक दो दो हैं वो आपको एक्स्ट्रा लर्न कर लेना है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, धावन सोडा भी फिनिश हो गया। इसके बाद अब ले लेते हैं अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, लास्ट क्या आ गया आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस नाम क्यों दिया गया, कि जिस समय इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया गया था जिप्सम से, किससे बनाया गया इसको, जिप्सम से। तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की जो विधि थी, सर्वप्रथम जो उपयोग की गई थी वो पेरिस शहर में की गई थी ना, कहाँ है, फ्रांस में ना, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस चीज़ को बनाया गया था, तो उस पेरिस के अंदर बनाया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी बनता है कैसे देखो, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इससे क्या बन गया आपके CaSO4.5H2O, क्या बन गया CaSO4.5H2O प्लस 3H2O क्रिस्टल जल क्या निकल गया, अलग निकल गया। तो ये क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट यानी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट ऐसा बोला जाता है इसको। और इसको बनाया कैसे, 393 केल्विन टेम्परेचर पे इसको क्या किया, गर्म किया, क्या किया, 393 केल्विन टेम्परेचर पे इसको क्या किया, गर्म कर दिया। किसको, जिप्सम को, ये क्या आपके जिप्सम है, और ये क्या है आपके POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन, दोनों का फॉर्मूला सेम है, देखो CaSO4 CaSO4, लेकिन यहाँ 2H2O और यहाँ पे क्या है, हाफ H2O है, बाकी अदरवाइज दोनों कैल्शियम सल्फेट ही हैं। बोलने में क्या आ रहा है, कैल्शियम सल्फेट, ये भी क्या है, कैल्शियम सल्फेट, लेकिन इसमें डाइहाइड्रेट उसमें हेमीहाइड्रेट है, मतलब आधा अणु जल का है। और ये कैसे बचा, जब इसको अपन ने 393 केल्विन टेम्परेचर पर इसको क्या किया, गर्म किया। केल्विन डिग्री सेल्सियस, ये आपको पता होना चाहिए कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, फारेनहाइट में कैसे बदलते हैं। तो ये अगर डिग्री सेंटीग्रेड में इसको मेजर करें तो कितना आ जाएगा, लगभग ये क्या है 393 में से 273 लेस कर दो तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको अपने को गर्म करना पड़ेगा ना। तो क्या हो गया, 120 डिग्री सेंटीग्रेड लिखो या 393 केल्विन लिखो, बात एक ही है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेंटीग्रेड या 393 केल्विन पे गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी आपका POP बन के तैयार हो जाएगा ना। तो ये POP बन गया आपके। तो ये लास्ट समीकरण था आपके, लास्ट रिएक्शन की फॉर्मेशन एंड यूजेज की। अब इसके यूजेज क्या हैं आप जानते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेज क्या होते हैं आप सब जानते हो। POP की कई सारी मूर्तियाँ बनती हैं, खूब खरीदते हैं अपन, है ना। जैसे अभी हाल फिलहाल में गणपति उत्सव गया था, है ना, तो उसमें गणपति की मूर्तियाँ जो अपन ने घर पे विराजित करी थी वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। आजकल तो लोग मिट्टी से बनाने लग गए हैं क्योंकि पॉल्यूशन को देखते हुए, टेम्परेचर या वातावरण का ध्यान रखते हुए हमने क्या किया, आजकल मिट्टी के मूर्तियाँ बनाना प्रारंभ कर दिया है। तो अदरवाइज POP की बन रही थी, लेकिन वहाँ बंद करा
तो घर में इसकी मात्रा अधिक बनने लगी, क्योंकि हम आजकल देखना जो भी लोग कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, बिल्डिंग्स बनवाते हैं, घर बनवाते हैं, तो उनके सपने होते हैं अच्छे अच्छे बनाने के, तो घर में POP का वो अच्छे से वॉल डिज़ाइन करवाते हैं, तो कहीं बाहर से हमने बंद किया तो घर में उसका प्रारंभ बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसका यूज़ अत्यधिक मात्रा में बढ़ा ही है, POP का कोई कम नहीं हुआ है। तो आर्टिफिशियल रूप देने में या डेकोरेटिंग मटेरियल बनाने में POP का बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है, और इसका जब हड्डियाँ टूट जाती है अपनी या कोई शरीर से अंग प्रत्यंग टूट जाता है, तो उस समय प्लास्टर जो चढ़ता है वो आपके POP ही से ही चढ़ाया जाता है। तो इसका प्लास्टर करने में, भवन निर्माण में, हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियाँ सजावटी सामान बनाने में, इन सब में इसका बहुतायत मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इसका POP का यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये आपके फॉर्मेशन एंड यूजेस थे, है ना, जो आपके लगभग समाप्त हो गए। जितने भी थे वो मैंने आपको रिएक्शन के तौर पे समझा दिए, यूजेस आपको और एक बार किताब से देख के सीधे सीधे लर्न कर लेना है, क्योंकि उसमें कोई फेर बदल या उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, वो एज इट इज़ मुझे भी वहीं बताने पड़ेंगे और वहाँ से पढ़ोगे तो वो भी वैसे ही, क्योंकि एक लाइन तो पूरी होती है, जैसे भवन निर्माण में, मूर्तियाँ बनाने में, हड्डियों को जोड़ने में हो गए यूजेस, तो यूजेस आपको एज इट इज़ लर्न करने पड़ते हैं। समझाने की चीज़ ये रिएक्शन थी, इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से आपको समझ के इसको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, यहाँ दो है तो दो ही लिखने पड़ेंगे, यहाँ आधा है, हाफ है, तो हाफ ही लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ टू कर दिया तो ये जिप्सम बन जाएगा, यहाँ हाफ कर दिया तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, तो फर्क इतना ही है कितना, टू और हाफ का। तो ये चीज़ बहुत आपको केयरफुली लर्न करनी होती है ना, टू और हाफ के बेस पे ही जिप्सम और प्लास्टर पेरिस को अलग किया गया, अदरवाइज फॉर्मूला तो दोनों कैल्शियम सल्फेट ही है ना, तो वो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके फॉर्मेशन और यूजेस फिनिश हो गए। अब अपना आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है आपके साबुन और अपमार्जक, है ना, सॉप एंड डिटर्जेंट, इसकी बात करेंगे अपन, साबुन एवं अपमार्जक, सॉप एंड डिटर्जेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास टुडे एज वी लेफ्ट यस्टरडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है पहले समझ लो इसको, मैं इसको पहले मीनिंग समझाता हूँ, फिर आपको धीरे एक बार डायग्राम से समझाऊंगा। एक्सेस ऑफ अ कंट्रीज इम्पोर्ट अपॉन इट्स एक्सपोर्ट इज इकोनॉमिक मेजर ऑफ दैट कंट्री। दिस मेजर टेल्स अबाउट द एक्सेस वैल्यू ऑफ कंट्रीज इम्पोर्ट as compared to his export. This is a measure of trade deficit of a country. अब इसको मैं आपको इस डायग्राम से समझा देता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट जस्ट वी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिस टू टर्म्स, टू अंडरस्टैंड दिस पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड प्रोडक्शन, देन डिमांड एंड देन सप्लाई। नाउ अंडरस्टैंड इट दिस लाइक दिस थिंग, in a country like India it's a very big country with a big population and there is continuous demand of things, ye demand hai wo kaise puri hoti hai, by the production, jo India mein production hota hai usse aap supply karte ho, to supply is done by two means, first one is ऑफ कंट्रीज प्रोडक्शन, हमारे देश में जो प्रोडक्शन है उससे हम सप्लाई कर लेते हैं और पूरा होता है, जो चीज़ नहीं है उसको हम इंपोर्ट करते हैं, मींस आयात।
बाहर दूसरे कंट्री से मंगवाते हैं। अब जब हम इंपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो मनी है अगर हमारे कंट्री में रहती है तो देश में रहेगी, नहीं तो क्या करेगी, वो बाहर जाएगी। अवर मनी विल गो टू अदर कंट्री, और जो दूसरा बेच रहा है ही विल ऑल्सो अर्न प्रॉफिट। तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो अब जिस इसको अब इसको समझना है कि जिस कंट्री का इंपोर्ट ज्यादा है, हम मंगवाते ज्यादा है और बाहर बेचते कम है, दिस कंडीशन इज नोन एज ट्रेड डेफिसिट। इसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब हमारे व्यापार में नुकसान हो रहा है। देन व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन, द फेवरेबल कंडीशन इज दैट दिस इज अ बैलेंस, एक तराजू है। अब इसके अंदर दिस इज इंपोर्ट एंड दिस इज एक्सपोर्ट। अगर इंपोर्ट्स हमारे बहुत ज्यादा हैं तो एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, और हमारे एक्सपोर्ट्स अगर ज्यादा है तो इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। तो फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है, द फेवरेबल कंडीशन इज दैट हम इंपोर्ट कम करेंगे लेस और एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे मोर। तो जितनी ज्यादा फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में आएगी, दिस कंडीशन इज मच मोर फेवरेबल। आपको बात समझ में आ गई है। सो ट्रेड डेफिसिट जो था पहले बहुत ज्यादा था क्योंकि हमारा प्रोडक्शन पूरा हो नहीं पाता था। अब आगे देखिए, इंडस्ट्रीज वर गिवन अननेसेसरी इंपॉर्टेंस इन द पॉलिसीज फॉर्म्ड बाय 1950 टू 1990। इन 40 सालों में जो पॉलिसीज बनाई गई थी वो अच्छी नहीं थी। मिसमैनेजमेंट वॉज क्रूप प्रबंधन डन इन द वेरियस फॉर्म्स एंड अदर डिसिप्लिन ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी में बहुत सारा ऐसा मिसमैनेजमेंट था जिससे नुकसान हो रहा था। देर वॉज अ लैक ऑफ एफिशियंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस, संसाधन जो थे वो पूरे नहीं यूज हो रहे थे। द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी हैड बिकम डिफेक्टिव, और पूरा स्ट्रक्चर पूरा ढांचा जो था वो दोषपूर्ण हो गया था, यानी कि कमियां ही कमियां थी। स्लो स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, बहुत धीमा प्रोडक्शन था। एक्सेसिव पब्लिक स्पेंडिंग, खर्चों में बहुत ज्यादा वृद्धि, एंड अदर रीजंस गेव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन इज अ कंडीशन इन विच द प्राइजेस ऑफ कमोडिटी ऑलवेज इंक्रीज, हमेशा भाव जो है वो बढ़ता रहता है। रैपिडली इंक्रीजिंग प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज डिसमेंटल द एंटायर इकोनॉमी ऑफ कंट्री, और इसीलिए पूरी अर्थव्यवस्था पूरी थर्रा गई, डगमगा गई। ड्यू टू ऑल दिस रीजन द बैलेंस ऑफ द पेमेंट ऑफ इंडिया बिकम अनफेवरेबल एंड फॉरन करेंसी रिजर्व बिकम वेरी लेस। तो हमारे पास फॉरन करेंसी अब थी ही नहीं बिकॉज ऑफ दिस थिंग। इन द बिगिनिंग ऑफ 1990s इंडिया हैड फॉरन एक्सचेंज रिजर्व विच वुड लास्ट फॉर मेयरली 2 weeks इम्पोर्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। 1990s के फर्स्ट स्टार्टिंग में ये थी। तो अब क्या करना था, सो इट वॉज वेरी नेसेसरी और नीड ऑफ आवर, उस समय की मांग थी that some changes had to be made in our policies so that we can overcome from this deficit condition. समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। Balance of payments, brief discussion of entire transaction of one country with the rest of world during a financial year is known as balance of payments. समझ में आ गया आपको, एक साल में जो transactions होते हैं दूसरे world के साथ दूसरे country से हम compare करते हैं। In order to improve the condition of fiscal imbalance, defective structure of economy was problem of defective structure of the economy and problem of balance of payment, the government of India implemented economic reforms in July 1991। underline karna, July 1991 se unko pata chal gaya kab humko sudhar kuch karne hi padenge under the new economic policy, although the process of reform has started during the decade of 1980 itself। ye prakriya 1980 mein shuru hui thi jab computers were introduced in India, yet these reforms were not implemented। computers aa gaye the lekin fir bhi reforms sudhar nahi hue the। Thus, these problems become intense, और ये समस्याएं गंभीर होती गई। In such condition, in 1991, India requested for financial assistance from 2 international organization, दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से उन्होंने कहा कि आप हमारा मार्गदर्शन करो कि कैसे हम इस नुकसान की स्थिति से हम बाहर आ पाएंगे। और वो दो जने कौन से थे, दो संगठन, इसको टिक करना आपको, वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक और दूसरा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। इन दोनों इंस्टीट्यूशन ने रिकमेंडेशंस दिए कि ये करने से आपका कंडीशन वुड बी बेटर। दीज ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडेड लोन्स टू इंडिया ऑन सर्टन कंडीशन, लोन्स दिए। इंडिया फॉलोड दिस कंडीशन और उन सभी शर्तों को इंडिया ने पूरा किया।
एंड अनाउंस अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में उन्होंने नई इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च की एंड इम्प्लीमेंटेड द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और कुछ नए सुधार किए. वो सुधार क्या थे ये इन दोनों इंस्टीट्यूशन ने बताए थे. वर्ल्ड बैंक क्या था. इन ईयर 1994 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस सेटलमेंट इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वॉज एस्टैब्लिश. इट इज कॉमनली नोन एज वर्ल्ड बैंक. ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उस समय इन्होंने सभी पूंजीवादी कैपिटलिस्ट कंट्री ने यह तय किया था कि हम एक दूसरे की सहायता करेंगे. इंडिया वॉज नॉट द मेंबर ऑफ दैट कंट्री ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. तो इन्होंने जब ये तय किया कि हम सब मिलकर के ये करेंगे सो उस समय ये उसको जो संगठन को नॉर्मली वी नोन एज वर्ल्ड बैंक. अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मेजर्स वेर इम्प्लीमेंटेड फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. आर्थिक स्थिरता के प्रयास किए गए. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ढांचेगत संस्थागत परिवर्तन किया गया. मेजर्स फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वेर शॉर्ट टर्म इन नेचर. अब ये जो जितने भी कदम उठाए गए वो बहुत शॉर्ट टर्म के थे. अंडर दिस मेजर्स टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान का संतुलन. इन्फ्लेशन लगातार पैसों में भाव में कीमतों में वृद्धि हो रही थी उसको किया गया शामिल. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वेर लॉन्ग टर्म इन नेचर. और जो स्ट्रक्चर्स को चेंज करना था वो लॉन्ग टर्म थे. देयर ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से टिक करना इंक्लूडेड रिफॉर्म्स इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड इंक्रीजिंग ऑफ वर्क एबिलिटी ऑफ इकोनॉमी. कार्य क्षमता को बढ़ाना. हम आज भी देखते हैं कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनी गवर्नमेंट बॉडी तो क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट बॉडी के अंदर क्या होता है इसका तो बहुत आराम है सरकारी काम है उसको. बिकॉज देर इज अ मोड ऑफ रिलैक्सेशन. देर इज लेस बर्डन ऑफ वर्क. देर इज लेस बर्डन ऑफ ड्यूटी. ऐसा नहीं कह सकते ड्यूटी नहीं है जो करने वाले वो करते बट देर इज अ मोड ऑफ रिलैक्सेशन बिट. और प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है दे आर गिवन शॉर्ट टारगेट्स कि आज इस वीक का आपका टारगेट ये है इस वीक का ये टारगेट है. सो देर एम्प्लॉयमेंट और यह कह सकते कि देयर कंटिन्यूटी डिपेंड्स ऑन देयर वर्क परफॉर्मेंस. उनकी कार्य क्षमता के आधार पर ही उनको आगे लिया जाता है ना. तो ये सब चीज़ें इसमें करी गई. अंडर दिस रिफॉर्म्स द गवर्नमेंट रीडिफाइंड इट पॉलिसी. सारी ही उनको वापस शुरू से उनको डिफाइन किया गया. वेरियस न्यू पॉलिसीज और नई पॉलिसीज भी बनाई गई. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वेयर इम्प्लीमेंटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. अल्टीमेटली तीन चीज़ों का स्ट्रक्चर चेंज किया गया एंड दे वेर लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डीपली study these topics because they are very important with the perspective of studying economics. Okay, till then again revise their lesson and thank you. Good morning. आज हम पढ़ेंगे राव शेखा. राजस्थान के जो प्रमुख राजा थे उनके बारे में आज से शुरू. उससे पहले मुगल प्रशासन हो चुका है आज है राव शेखा. ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बस छोटा मोटा है. उसके बाद राजा हमीर है जो हम मुख्य पढ़ेंगे. राव शेखा का जन्म अंडरलाइन करेंगे 24 दिसंबर 1433 में हुआ था. आमेर के जो राजा थे उनके जो छोटी परगना यानी कि छोटी रियासत थी वहाँ के ये शासक थे. इनके पिता का नाम मोकल था माता का नाम निर्वाण था. राव मोकल आमेर जयपुर राज्य था. राज्य के अंतर्गत आने वाले नान के शासक थे. बस ये इतना याद करना है. इसके बाद उन 1445 में 12 वर्ष की उम्र में राव शेखा के पिता की मृत्यु के बाद ये शासक बने थे. आमेर के शासक उदयकरण ने राव शेखा को महाराव की उपाधि प्रदान करी थी. इन्होंने 52 युद्ध लड़े थे. उनके जीवन काल में अंडरलाइन करेंगे 52 युद्ध लड़े थे और जयपुर के कछवाह वंश के उपवर्ग शेखावत का स्थापक थे. शेखावत वंश तो जो था उसके स्थापक कौन थे राव शेखा. इनकी पत्नी गंगा कुमारी ने आमेसर किले में मुहाने पर कल्याण जी का मंदिर बनाया.
बस इतना ही है राजशिक्षा में। आगे है हमीर देव चौहान जो मुख्य है इस पार्ट में। एक बात और है, राव शेखा ने जो जयपुर में जगदीश मंदिर है उसका निर्माण भी राव शेखा ने कराया था। हमीर देव चौहान रणथंबोर के शासक, जैत्र सिंह के पुत्र, जैत्र सिंह के पुत्र थे। 1282 में इनका राजरोहण हुआ, उनके पिता की मृत्यु के बाद वह शासक बने थे। उस समय दिल्ली का शासक था जलाउद्दीन खिलजी जो रणथंबोर के किले को जीतना चाहता था। कारण ये था कि उत्तर से दक्षिण जो गुजरात और महाराष्ट्र के जो राज्य में जाने के लिए जो मुख्य मार्ग था जो रणथंबोर से होते हुए जाता था। हमीर देव के सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाई। यह अंडरलाइन करेंगे इस जगह कि बैठते ही सबसे पहले उन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई थी। इसके तहत उन्होंने भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करके मांडलगढ़ से कर वसूल किया। दक्षिण में परमार शासक भोज को पराजित करके उत्तर की ओर चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा होते हुए वापस रणथंबोर पहुँचे। पहुँचने के बाद इन्होंने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ का नाम था कोटीय जन। अंडरलाइन करेंगे इस पर कि कोटीय जन यज्ञ किसने किया था, राणा हमीर ने किया था। इन्होंने 17 युद्ध लड़े, 17 में से 16 युद्ध में इनकी विजय प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध था जो ये हार गए थे। अब दिल्ली में उस समय जलाउद्दीन खिलजी था। ये जलाउद्दीन खिलजी वही अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, पढ़ चुके हैं हम। ये हमीर को जीतना चाहते थे, यानी कि रणथंबोर को, दुर्ग को जीतना चाहते। इस कारण इन्होंने अपनी सेना लेकर ये रणथंबोर आए थे, जहां पर जैन से रणथंबोर की ओर बढ़कर दुर्ग में घेराबंदी की थी। जैन ये है रणथंबोर की कुंजी कहा जाता है। कारण ये कि अगर रणथंबोर को जीतना है तो उससे पहले जैन के दुर्ग, एक छोटा दुर्ग था रणथंबोर से, वो रणथंबोर बड़ा था और ये छोटा दुर्ग था, ये यहाँ सुरक्षा केंद्र यानी कि इसकी सेना का मुख्य सुरक्षा केंद्र था। अगर जैन के दुर्ग को जीत लिया है तो रणथंबोर को भी जीत लिया जाता है, ऐसा माना जाता था। इसलिए उन्होंने जैन से लगाकर रणथंबोर तक पूरी किले पर घेराबंदी कर दी थी। काफ़ी दिनों तक घेरा करने के बाद भी वह अंदर नहीं जा सका, मोर्चाबंदी पूरी तरह से विफल हो गई। तो 1291 ईस्वी में सुल्तान रणथंबोर दुर्ग का घेरा उठाकर दिल्ली चला गया। पूरे स्टोरी वाइज दिल्ली जाने के बाद वहां पर उसके भतीजा भाई और उसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में उसकी हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बन गया। उसके बाद अब अलाउद्दीन खिलजी को सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर ली थी, उसको रणथंबोर जीतना था। उसका एक बहाना ढूंढ रहा था कि कैसे रणथंबोर को जीता जाए। तो इसी समय उसकी सेना का एक बागी जिसका नाम था मुहम्मद, सेनामती मंगोल सेनापति मुहम्मद शाह व कहबूब, लूट का माल लेकर अलाउद्दीन सेना था उसका बगावत करके हमीर के पास चले गए थे। हमीर ने उनको शरण दे दी। मुख्य था मुहम्मद शाह, ये नाम याद रखना, दोनों का नाम है पर मुहम्मद शाह मुख्य था। तो अलाउद्दीन खिलजी से बगावत करके ये हमीर के पास चले गए, हमीर ने उनको शरण दी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, दूध भिजवाया और कहा कि मेरे जो बागी हैं उनको वापिस दे दो, तो हमीर ने मना कर दिया। तो इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में उगलू खां और नुसरत खां, अंडरलाइन करेंगे, 1299 ईस्वी में उगलू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना को रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो इन्होंने सबसे पहले, अब मैंने कह रखा है अगर रणथंबोर को जीतना है तो सबसे पहले किस दुर्ग को जीतना पड़ेगा, जैन के दुर्ग को। तो यहाँ अंडरलाइन करेंगे, शाही सेना ने रणथंबोर मार्ग की कुंजी, अंडरलाइन करेंगे, रणथंबोर मार्ग की कुंजी किसे कहा गया है, जैन के दुर्ग को।
तो जैन के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। तो हमीर ने वहाँ पर सुरक्षा के लिए अपने दो सैनिक अधिकारी अंडरलाइन गए भीम सिंह और धर्म सिंह को मुकाबले के लिए भेजा था। दोनों ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को बुरी तरह पराजित किया। भीम सिंह और धर्म सिंह लूट का माल लेकर रणथंबोर की ओर लौट गए और भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंबोर के दुर्ग के निकट पहुंचते हैं। तभी उनको सूचना मिलती है कि शत्रुओं ने पुनः जैन के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। तो भीम सिंह ने धर्म सिंह को रणथंबोर भेजकर स्वयं शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए रवाना हुए। इस बार उगलू खान ने राजपूतों की सेना को परास्त किया, जिसमें भीम सिंह लड़ते हुए मारा गया और उगलू खान रणथंबोर की ओर नहीं बढ़कर वापस दिल्ली चला गया। तो यहाँ 1299 में जैन के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। उसके बाद 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं इस दुर्ग पर रणथंबोर के दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए निकला था, जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसके बारे में पूरा विस्तृत बहुत बड़ा पाठ है, तो इसलिए इस बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।